क्लास 9 का सोशल स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। ये पार्ट 1 है, द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये जो कहानी है एक पालमपुर विलेज का है, जो कि हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब कि एक काल्पनिक गांव है, उसकी कहानी है। और इस कहानी को लेकर जो ऑथर है वो ये बताना चाहता है कि किसी भी जो हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये एक टॉपिक हो गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के साधन। अगर हम किसी चीज़ किसी भी गुड्स को, गुड्स मतलब कि कोई भी सामान या कोई भी सर्विसेज को अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी भी सामान को, अगर हम एक पेन को ले लें, अगर हम पेन को प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, या किसी भी कोई भी सामान को प्रोडक्शन चाहिए तो क्या क्या साधन चाहिए। तो सबसे पहले उसके लिए हमको चाहिए लैंड, तो ये देना है। लैंड जो है ये लिमिटेड है, ये इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ये लिमिटेड है। उसके बाद जाके लेबर, लैंड अगर मेरे पास है तो लेबर चाहिए कि कितना लेबर इम्प्लीमेंट करना है, कितना लेबर लगा के प्रोडक्शन करना है। फिर कैपिटल चाहिए। कैपिटल दो तरह का होता है, एक लिक्विडिटी होता है नगदी जिसमें पैसा होता है, और दूसरा जो मशीनरी होता है मशीन के द्वारा, उसके द्वारा कितना कैपिटल है। उसके बाद एक लैंड, लेबर, कैपिटल। उसके अंतिम जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है या इंटरप्राइजेज होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ये तीनों को मिला के लैंड लेबर कैपिटल को मिलाकर प्रोडक्शन करता है, प्लानिंग करता है। तो इसी चीज़ को बतलाने के लिए कहानी के द्वारा जो पालमपुर विलेज की कल्पना की गई है और उसको वहाँ पर स्टोरी दी है। तो आइए चलते टेप चैप्टर में है क्या। ओवरव्यू यहाँ पर क्लियर पहले ही लिखा है कि इसको हम लोग जो देखेंगे कि द पर्पस ऑफ स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। जैसे मैंने कहा कि ये एक प्रोडक्शन के संबंधित के जानकारी को हम लोग देखेंगे, और दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी, एक कहानी देखेंगे। स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक जो है विलेज गांव पालमपुर का द्वारा लिया गया है। पालमपुर के नीचे स्टार दिया गया, तो आगे देखेंगे पालमपुर कहाँ पर है, इसको जो कल्पना किया किस जगह पर है। तो स्टार का जो यहाँ अगर बुक के नीचे में देखेंगे तो स्टार करके यहाँ लिखा हुआ है कि स्टार मतलब कि द नरेटिव जो कहानी बजा रहा है इज़ पार्टली बेस्ड ऑन द रिसर्च किया स्टडी बाई गिल्बर इंटाइन उत्तर प्रदेश। गिल्बर इंटाइन के द्वारा है जिसने एक गांव को कल्पना किया था बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट उत्तर प्रदेश का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर एक गांव लिया गया है। और इसकी जो कल्पना किया गया था एक बुक था गिल्बर्ट, जो ये बुक है और उसका क्या था गिल्बर्ट इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर चलिए अब देखते हैं कि क्या कहानी ओवरव्यू हम लोग देखें। अब इसमें क्या थी ओवरव्यू में कि इसका जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, जो लैंड है, जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, जो मेन वर्क होता है पालमपुर विलेज में वो है फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर आर सेवरल अदर एक्टिविटी। अगर फार्मिंग को छोड़ दिया जाए तो कुछ छोटा छोटा उद्योग है, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, दुग्ध उत्पादन है, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल, छोटा मात्रा में होता है। थोड़े एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कम लोग ये काम करते हैं, लिमिटेड जो स्केल हो गया कि बहुत कम लोग, कम व्यक्ति इसमें इंगेज हैं। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमको क्या क्या रिसोर्स चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से फ्री ऑफ गिफ्ट जो हमको दिया वो चाहिए, मैन मेड आइटम चाहिए, आदमी से बना हुआ सामान चाहिए, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन चाहिए, और पैसा चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। तो एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे से हम कहानी पालमपुर बताते हैं, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइंड टू प्रोड्यूस, कि जितने रिसोर्सेज सबको मिला के कैसे हम किसी भी जो डिजायर्ड मैंने जो हम जो भी सामान का चाहते हैं या सर्विसेज देखिए गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। गुड्स विजिबल है जो दिखता है, सर्विसेज दिखता नहीं है, ये नॉन विजिबल है जिसपे ये दिखता नहीं है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें गुड्स, अगर पेन ले लें और यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दिख नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने हम जो गुड्स है उसको टच भी कर सकते हैं, नॉन विजिबल को टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसी को यहाँ पर जो डिजायर गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी हम कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मिलाकर कहते हैं। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन है क्या। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर का जो संबंध जो है उसका रोड जो है मिला हुआ है आस पड़ोस के गाँव में और शहर से। रायगंज इज ए बिग विलेज इन 3 किलोमीटर पालमपुर, और पालमपुर के आसपास जो सबसे बड़ा गांव है वो है रायगंज जो है,
ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का एक कल्पना किया गया। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट द विलेज टू रायगंज, सारा रोड जो है रायगंज गांव में जाकर मिलता है। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन, और आसपास के में समय आसपास के जो जगह के सामने शाहपुर है, यानी जो पालमपुर गांव है उसके आसपास बहुत सारे गांव हैं, और जो सबसे बड़ा गांव है वो रायगंज है, और सबसे बड़ा शहर जो है रायगंज 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, और सबसे बड़ा शहर जो है वह शाहपुर है। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड, अगर आप इस रोड में अगर देखेंगे तो बहुत सारे गाड़ी देखेंगे आपको, और वो मैंने तांगा से लेकर बुल्लक कार्ट मैंने बैलगाड़ी, तांगा बोगैस जो कि वुडन कार्ट जो घिसता है जो बैल घिसता है उसको बोगैस कहते हैं, उसके बाद लोडेड विद जैगरी, जैगरी मैंने गुड़ का सामान, और एन अदर कमोडिटी और दूसरा सामान भी, टू मोटर व्हीकल चाहे अगर दूसरा गाड़ी देख लो मोटरसाइकिल जीप ट्रैक्टर भी देखता है, यानी बैलगाड़ी से लेकर आपको कार मोटरसाइकिल जीप ट्रैक्टर भी दिखता है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज, पालमपुर गांव में 450 फैमिली है जिसमें से अलग अलग जाति के हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिली, जिसमें चाहे 450 में से 80 अपर कास्ट फैमिली है, जो ओन मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, और इसी 80 जो अपर कास्ट विलेज फैमिलीज हैं इनके पास लगभग सारा जमीन यहीं इन्हीं लोगों के पास है। देन हाउसेज देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, इन लोगों का जो घर अब किसी का घर बहुत बड़ा है, मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट प्लस्टरिंग, उनका ईंटा प्लस्तर से सीमेंट का प्लस्तर से बना हुआ है, और जो दलित है SC है कंप्रोमाइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो 100 मैंने कल 450 का 1/3 ऑफ 450 पूरा विलेज है, मैंने विलेज में जो नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो अगर 1/3 कर दें तो इसको काटेंगे तो 150 विलेज, यानी आप देख रहे हैं कि 80 जो अपर कास्ट है और 150 जो है SC है शेड्यूल कास्ट जिसको दलित कहा जाता है, लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, गांव के एक दूसरे कोने में बाहरी साइड में लोग अपना झोपड़ी बनाए हुए, इन मच स्मॉलर हाउसेस छोटे घर है, सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रो, और कुछ अगर मिट्टी का है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस है, लगभग सारा घर जो है किस तरीके का है, हैव यहाँ दिया, ये एक पिक्चर जो हम लोग देखे थे, हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, सभी घर में लगभग बिजली का कनेक्शन है, यानी आप देख रहे हैं जो पालमपुर गांव में बिजली भी है, एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, और जो पानी निकालने का या जमीन में इरिगेट करने पटाने सिंचाई करने का ट्यूबवेल्स है, एंड यूज टू वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस भी है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, छोटा स्कूल है जहाँ पर मैंने कि 8 तक पढ़ाई 5 लेकर 8 एंड 1 हाई स्कूल जहाँ 10 तक पढ़ाई होता है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर जो हेल्थ सेंटर जैसे हम पहले बताए कि हेल्थ सेंटर आगे हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी होता है, डिस्ट्रिक्ट में सदर होता है, तो इस तरह से स्टेट में एक रिसर्च होता है, रिसर्च एंड कॉलेज हॉस्पिटल होता है, तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो सरकार के द्वारा है और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, वेयर द सी का ट्रीटेड, जहाँ बीमार का इलाज होता है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि द डिस्क्रिप्शन एबव शोज डेट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, पालमपुर ऐसा गांव है जहाँ पर रोड विकसित है, ट्रांसपोर्ट विकसित है, इलेक्ट्रिसिटी है और इरिगेशन के साधन है, स्कूल्स भी और हेल्थ सेंटर भी है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाई विलेजेस, आप अपने आसपास के गांव या आप अपना गांव को भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हो गया द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजनरी विलेज, अगर देखते हैं कि पालमपुर का जो एक काल्पनिक गांव है, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, इसमें बहुत तरह का प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ काम होता है, जैसे हम बताए कि शुरुआत में फार्मिंग है, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, फिर दूसरा एक्टिविटी जो है रेफर्ड है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, जैसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे सामान बनाना, या फिर ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी का, या फिर जो शॉप कीपिंग या जिसके पास से दुकान है, उसके बाद जाके मैंने वी सेल टेक अ लुक एट द बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, ये सब को हम लोग देखेंगे जो प्रोडक्शन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन ऑफ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसा कि मैंने लैंड कहा था, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।